सद विकांत राधा कांत नमस्तुते तत्कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्ये ओम वृंदाई तुलसी देवी केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्वत्रे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम सर्वद मेरे कृपाल करुण नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टुत रसस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीमान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टुत रसस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीमान गोस्वामी महाराज के वह चरण कमल में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टुत रसस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं गोविंद गोस्वामी भक्त श्रीधर गोस्वामी भक्त मंत्री गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम नमस्कार। आज अतीव सुंदर पवित्र दिवस है। आज महापृथ्वी अंतरंग पार्षद ने पदार्थ खंड के आज आविर्भाव की थी। पंचतत्व के बारे में आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अति का गदाधर शिवासादि श्री गौर का बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर गदाधर द्वि प्रभु सेवे महाप्रभु चरण द्वि प्रभु यानी अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु सेवे महाप्रभु चरण चैतन्य महाप्रभु चरण सेवा गदाधर के शक्ति तत्व है श्रीमती राधा चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान अद्वैत आचार्य जी भी भगवत तत्व नित्यानंद प्रभु भी भगवत तत्व कितने भगवत तत्व हो गए तीन भगवत किंतु महाप्रभु स्वयं भगवान अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु ये दोनों प्रभु द्वि प्रभु सेवे महाप्रभु चरण अर्थात नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु ये दोनों महाप्रभु की सेवा इसे गदाधर जो है राधा सच्चा राधा में शक्ति तत्व में चैतन्य चरितामृत में दो गदाधर के नाम कृष्णदास कविराज ने उल्लेख किया है। एक है गदाधर पंडित और एक है गदाधर दास। गदाधर दास जो है ये भी राधा जी के जो है प्रकाश विक्रम माना जाता है और गदाधर पंडित ये साक्षात श्रीमती राधिका। जबकि कृष्ण राधे के सर्वोत्तम भाव माधुर्य को आस्वादन करने के लिए राधे की भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए राधिकार भाव कांति चुरी करी कृष्ण अवतीर्ण हुईल गौर रूप धरी। राधे के भाव और कांति छठा कांति नहीं छठा ये दोनों कृष्ण चोरी करके अधुना कलयुग में महाप्रभु रूप में प्रकट हुए।
जिसके महाप्रभु के कहा जाता है प्रच्छन्न अवतार कहा जाता है। प्रच्छन्न अवतार किसलिए कहा जाता है, ये साधारण लोग उसके समझ नहीं पाए, जिससे सर्वण होता है जी महाप्रभु के साथ विचार करते हुए कहने लगे, गोपीनाथ आचार्य जी के साथ सर्वण होता जी बात करने लगे, ये तुम लोग महाप्रभु के भगवान कहते हो, क्योंकि लिखा कलि के नहीं साक्षात भगवान एक भगवान अवतार है। किंतु श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है जिसे कहा जाता है प्रच्छन्न अवतार का, इसलिए प्रच्छन्न जी जो छुप करके मैंने ढके होकर सबके सामने अपने स्वरूप के जो है प्रकाश नहीं करते हैं, इसे कहा जाता है प्रच्छन्न अवतार है। तो गोपीनाथ आचार्य भी उनके समझाया, फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु सर्वहट्टात्री के निकट अपने स्वरूप को दर्शन कराया, सर्वभुज दर्शन दिया, ये जो सर्वभुज दर्शन सर्वहट्टात्री के निकट, मैं वही कृष्ण हूँ, मैं वही राम हूँ और वही मैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सर्वभुज, तब सर्वहट्टात्री की विश्वास प्रतीक तो कहने के तात्पर्य मेरा है ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण केवल विशेष तीन कारण के कारण से है, वही कृष्ण आधार के भाव और कांति लेकर के नवदीप धाम में गौरांग रूप में प्रकट, जिससे हमारे सर्व दामोदर पर्चा में लिखते हैं श्रीराधा प्रणय मीमा तिथि शोभा नहीं बात सदुर्जना मधुमा तिथि शोभा मधुर सपकन से मधुमंदर तिथि से बीती लोभा लोभा तद्भाव तो समझो सूची गर्भ सिंधु। ये तीनों विषय के प्रति जब कृष्ण के लालसा हुई, लालसा मैंने लोभ उत्पन्न हुई, तब कृष्ण के रहा नहीं गए, तो कृष्ण ने किया कि राधा जी के भाव और कांति के प्रकट, ये तीन क्या चीज श्री राधा प्रण महिमा कृष्ण बने पाए, जिसे हमारे सर्व दामोदर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। राधा जी की प्रणय महिमा क्या है, ये सदा सर्वदा राधा जी ये कृष्ण के लिए चिंतन करते रहते, क्षणकाल के लिए कृष्ण की वो विस्मरण नहीं होते, भूल नहीं जाते। प्रणय कह देता है देह मन आत्मा, जब एकात्म बुद्धि होता है तब उसे कहते हैं प्रणय कहा जाता है। अनुराग की ऐसे दशा में जब आ जाता है अपने प्रियतम की एक क्षणकाल के लिए वो पीछे सहन करने का है, जहाँ पर प्रेम की ऐसे घनीभूत अवस्था हो जाता है अपने अनुराग यानी प्रेम जो है नव नया नव नवान रूप में प्रतिभात होता है, प्रकाश होता है, इस उज्जवल ग्रंथ में वर्णन है। इसलिए साईं कृष्ण कह रहे श्री राधा प्रणय महिमा कृष्ण से बने, मेरे प्रति राधे के इतने प्रणय जो है काले बादल के देख करके राधा जी क्या करती है कृष्ण मान करके दौड़ती है, काले तमाल वृक्ष के देख करके उसके आलिंगन करती है, कृष्ण कह रहे मेरे तो ऐसी नहीं है, इसलिए राधा जी राधा के हृदय में मेरे प्रति ये प्रेम क्या किस प्रकार प्रेम है ये दिव्य उन्माद दशा में ऐसे हो जाते, कृष्ण कहते मेरा तो दिव्य उन्माद दशा नहीं होता, ये काले भ्रमर के देख करके राधा जी कृष्ण के दूत मान करके जाने जाने कैसे कैसे अपने भावों में यह उद्धार करते हैं, जिसे सुखदेव गोस्वामी पाद उसी के दस श्लोक के द्वारा वर्णन किया, जिसे कहा जाता है भ्रमर गीत कहा जाता है, ये समझो सब कृष्ण विचार करने लगे और मेरा दूसरी क्या है, मेरा सौंदर्य मधुरमा क्या है जो सदा सर्वदा राधा रानी मेरे मधुरमा का आस्वादन करती है, आस्वादन करते ये मेरा मधुरमा क्या है, मेरे अंगकांड के गंध मेरे अंगकांड सब लोग आकर्षित होते हैं,
मैं कृष्ण का है, मेरे सुगंध से समस्त जगत सुगंधित होता है। किंतु जब राधे की अंग कांति व राधे के अंग की सुगंध में मैं स्वयं जो है पागल हो जाता है, राधे के साथ मिलने के लिए मैं इतने तड़पता हूं। किंतु राधा जी क्या करती है मेरे लिए इतनी तड़पती है, वो है क्या चीज राधा जी की लड़का है। और तीसरी जो है सेंट राधा जी मेरे सौंदर्य मधुरमा को आस्वादन करके उनके हृदय में क्या अनुभव क्या होता है इसके आस्वादन करना। कृष्ण विचार करने लगे मैं विषय विक्रम हूं और राधा जी क्या है आश्रय विक्रम है, इसलिए विषय विक्रम के नाते आश्रय विक्रम के भाव को मैं आस्वादन करने। इसलिए कृष्ण ने किया कि राधा के भाव और कांति ये दोनों लेकर के और अपने में छुप करके, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है ना, चोरी करने के लिए कैसे जाते हैं, अपने के सारा शरीर को क्या देते हैं, छुपा लेते हैं, काले कपड़े से या कोई कपड़े से छुपा लेते हैं, केवल दोनों जो है आंख दिखाई पड़ता है, देखे ना चोर डकैत गुंडे ग्रामस्थ जो है वो पुलिस से बात उसके अपने की छुपाने के लिए अथवा आजकल जो सीसीटीवी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, पूरा शरीर के काले कपड़े से ढक लेता है केवल दो आंख दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने किया कि राधा जी की कांति के लेकर के सारे माने कृष्ण वर्णन को क्या कर लिया, ढक लिया है, इसको पहचान नहीं आएगा ये कृष्ण है। इसलिए कृष्ण विचार करेंगे राधा जी की जी भाव कांति के जो मैं ले लू है और आकर के फिर मैं राधा जी की एक विषय को मैं एक वस्तु के जो मैं आस्वादन कर सकता। तो राधा जी के लिए है आगे मैंने मानो स्वयं राधा जी कृष्ण के सारे अंग में क्या हो गया, लपेट गए। फिर लीला के लिए फिर राधा जी भी कहने लगे कि आपके बिना मैं नहीं रह सकते है, जब तभी राधा के भाव कांति ले लिए तथापि राधा जी वहीं पर भी पूर्ण अप्राकृतिक जगत में तत्व सिद्धांत के पूर्ण वस्तु से पूर्ण जाने पर भी वो क्या रहते है, पूर्ण रहता है, पूर्ण से पूर्ण माद पूर्ण एवं अवशिष्ट ये तत्व सिद्धांत है। जब तभी श्रीमती राधिका की कांति कृष्ण ने कहा कि अपने सारे अंगों में पड़ गए है तथापि राधा जी हुए, इसलिए राधा जी स्वयं है विचार करने लगे ये मेरा अंग कांति तो लेकर मैं देखता हूं है, ये मेरा प्राण प्रियतम कृष्ण है किस प्रकार मेरे दिव्य उन्माद दशा भाव कैसे आस्वादन करे है। इसलिए श्रीमती राधिका स्वयं है महाप्रभु लीला में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए है, ये दिखा दिया कि ये पर आपके संदेह होगा ये स्वयं राधा जी यदि कृष्ण में अंतर राधा जी कृष्ण के एक साथ में आए तो फिर अलग करके कैसे हुआ। इस संदेह के दूरीकरण करने के लिए कार्य नहीं है ये स्वयं राधा जी है, फिर पुनः कहे कि गदाधर के पंडित के रूप में ही प्रकट हुए ये कृष्ण किस प्रकार मेरे भाव को कैसे आस्वादन करे, इसलिए गदाधर पंडित के रूप में आए ये भी विचार दिया। और गदाधर पंडित महाप्रभु के अत्यंत जो प्रिय गदाधर पंडित जो है ये मायापुर धाम में सचे जगन्नाथ जी की मिश्र के गृह के सन्निकट में भी वहीं पर जन्म लिया, उनके माता पिता के नाम माधव मिश्र और रत्ना देवी। देखो गदाधर पंडित पहले आए दो एक साल की बड़ी हो गई
किंतु देखो रत्ना देवी के साथ सच्ची माता के साथ अत्यंत जो है घनिष्ठ जो है संबंध है। इसलिए घनिष्ठ संबंध होने के नाते गदाधर जो है जगन्नाथ मिश्र जन सच्ची माँ के घर में वो जाते आती जाते, जैसे पड़ोसी है ना, अगल बगल में पड़ोसी जैसे जाते, इसलिए गदाधर भी वहाँ पर आते। महाप्रभु बचपन से गदाधर के साथ ही रहे, जब छोटे छोटे बच्चे थे मानो गदाधर 5-6 साल के होगा तो महाप्रभु होगा तो 3 साल के होगा, 3-4 साल के होगा, 2-1 साल के 2 साल की बड़ी होगा सर है। किंतु देखो गदाधर जो है महाप्रभु के बिना या निमाई के बिना एक क्षण का नहीं रहता। चैतन्य भागवत में वर्णन है जहां पर महाप्रभु निमाई वहीं पर गदाधर है, दोनों के साथ ऐसे सघन मित्रता ऐसे है, एक ही विस्तार में सोते थे, एक ही साथ में खाते थे, भजन क्या बोले भोजन शयन है दोनों एक ही साथ में है, बिल्कुल जो अलग नहीं होते है। और एक क्षण काल महाप्रभु भी गदाधर बिना नहीं रह सकते और गदाधर भी महाप्रभु बिना नहीं रह सकते। इसलिए उस समय सभी लोग कहते थे गदाई गौरंग, गदाई गौरंग मीन्स ये गदाधर महाप्रभु की है और महाप्रभु गदाई को, इतना गदाई गौरंग है अलग नहीं होते थे, इतना घनिष्ठता स्नेह ममता प्रीति है। किंतु वास्तव कहते हैं इस जगत में मित्रता तब होता है एक स्वभाव होने पर मित्रता होता है, किंतु यहाँ पर चैतन्य भागवत में वर्णन करते जा रहे हैं गदाधर के स्वभाव महाप्रभु के स्वभाव में कुछ अंतर है। महाप्रभु कैसे थे, चंचल था और ज्यादा बात करने वाले छोटे जब थे ना, और गदाधर के स्वभाव कैसे था, गंभीर धीर ज्यादा बात नहीं करते और अकेला रहना पसंद करते। किंतु निमाई क्या करते हैं, जहां पर गदाधर वहीं पर सो जाएंगे और ज्यादा जो है बातचीत करेंगे, तकलीफ होता नहीं कुछ, गदाधर पसंद करते नहीं थे, किंतु निमाई उनके पास ही रहते। और थोड़ी यदि कभी कभी निमाई महाप्रभु जी गदाधर से थोड़ी दूर हो जाए तो गदाधर इतने तड़पते थे जैसे जल बिना मछली जैसे तड़पते हैं। ऊपर से तो गदाधर महाप्रभु से मानो दूर रहना चाहते हैं, किंतु अंतर हृदय से गदाधर भी एक महाप्रभु बिना उड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि राधा बिना कृष्ण कहाँ से रहे और कृष्ण बिना राधा नहीं, जत्र राधा तत्र कृष्ण, जत्र कृष्ण तत्र राधा, राधा माधव नहीं वो माधव नहीं वो राधया, सिस्टम है जहां पर राधा जी वहीं पर कृष्ण है और जहां पर कृष्ण वहीं पर राधा है। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रसस्वदिते धरे दुई रूप, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, किंतु लीला के लिए मानो दो स्वरूप में प्रकाशित है, मानो दो शरीर एक आत्मा ऐसे मान लिया जाए, दो शरीर एक आत्मा। इसी प्रकार गौर सुंदर माने निमाई और गदा एक साथ, माँ सची देवी जो है ये दोनों की जो है अपने पुत्र वक्त स्नेह प्रति सेवा आदि करते थे। चैतन्य भागवत में वर्णन है माँ सची देवी दोनों की ऐसे देख करके स्नेह में ऐसे लगता था मानो साक्षात राम सीता की भांति अथवा राधा कृष्ण की भांति कभी कभी प्रतीत होता था, जैसे राम बिना सीता नहीं है, सीता बिना राम, जहां राम तहां सीता, जहां सीता वहीं पर राम है, और जहां राधा वहीं पर कृष्ण, जहां कृष्ण वहीं राधा। इसलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर भी वर्णन करते हैं ये सती माता के निकट कभी कोई ऐसे प्रतीत होता दिखाई पड़ता था जैसे राम सीता अथवा राधा कृष्ण, दोनों की अत्यंत घनिष्ठता यह पर दिखाया है। कभी कर्णपुर भी गौर गणदेश दीपिका ने वर्णन किया है गदाधर के बारे में, क्या लिखा,
अवधी सुरवरांसि पणितक्क जतिन्द्र सफलु भवति श्री राधा शिव गौर अवतारी। जे साक्षात श्रीमती राधिका अधुना अभी गदाधर पंडित के रूप में ही प्रकट हुए, जो पूर्व लीला में यानी राधा कृष्ण पूर्व लीला में श्रीमती राधिका थी और वो गदाधर साक्षात राधा जी साक्षात गदाधर के पंडित के रूप में प्रकट हुए हैं, दोनों एक साथ में। किंतु गदाधर बस में अधिक होने के नाते वो ऊंची क्लास में पढ़ते थे और चैतन्य महाप्रभु निमाय किस क्लास में पढ़ते थे, नीचे क्लास में पढ़ते थे। किंतु महाप्रभु निमाय इतने प्रकटिव है, कोई की बच्चा ज्यादा बोलता रहते ना, गदाधर के साथ ऊंची ऊंची कथा बोलने शुरू कर देते हैं। कोई के लड़के होते हैं ना, छोटा तो है किंतु से बाप ठपकदार बहुत ही बात करना शुरू कर देते हैं, कोई के लड़का ऐसे ही होता है देखो। इसी प्रकार निमाई इतने प्रकटिव है, इतना बोलने वाले होता है, गदाधर की ऊंची क्लास की कथा को आलोचना करते थे और गदाधर उसको पसंद नहीं करते थे। अरे तुम तो नीचे क्लास को, अभी तो व्याकरण भी नहीं पढ़ाएंगी है। महाप्रभु निमाई अभी मानो संस्कृत जो है व्याकरण संस्कृत के ग्रामर पढ़ने वाले और गदाधर नए शास्त्र में पढ़ने वाले ऊंची क्लास के। किंतु निमाई क्या करते हैं, कभी कभी जो है गदाधर के साथ वो नए शास्त्र लेकर के बातचीत करना शुरू करते हैं। किंतु गदाधर क्या करते हैं, अरे नीचे क्लास क्या, तुम झूठ क्लास को अपने अधिकार में रहो। किंतु ये बस उनकी वही ऊंची ऊंची कथा को बोलना शुरू कर देता है। इसलिए गदाधर कभी कभी जो है महाप्रभु से दूर रहना चाहते थे। किंतु चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जहाँ पर गदाधर वहीं पर बैठ जाते थे। यहाँ तक भी गदाधर स्कूल में जब लौटते थे ना, महाप्रभु क्या करते थे और गदाधर के पास जाकर उसको रास्ते को रोक देते थे। गदाधर क्या करते, दूसरी रास्ते देखा तो महाप्रभु इस रास्ते में आ रहे हैं, वो दूसरी रास्ते भरना शुरू कर देते और महाप्रभु क्या करते थे और जाकर के फिर उसी रास्ते में खड़े हो जाते थे और जाकर के उनके साथ वही बस ऊंची ऊंची बात करना पूछना। जैसे कहते हैं न्याय के ऊपर भी विचार करने लगे, अच्छा बताओ मुक्ति किसको कहते हैं, अरे अभी तो तुम ग्रामर नहीं पढ़ रही हो तो मुक्ति के साथ क्या संबंध है। किंतु महाप्रभु गदाधर के साथ ऐसे ऐसे ऊंची स्तर करते, अच्छा बताओ मुक्ति के डेफिनेशन बताओ बताओ। गदाधर साहब में कहते थे आतंकी दुख निवृत्ति रे वही मुक्ति है? इस संसार से, इस संसार में सार्वजनिक दुख कष्ट से निवृत्ति प्राप्ति करना ही मुक्ति कहा जाते हैं। आतंकी दुख निवृत्ति रे वही मुक्ति है? जैसे आपके कोई बीमार हो गए, कष्ट हो रहे है? उस कष्ट से आप छुटकारा पाना चाहते नहीं चाहते है? तो रोग से निवारण हो जाना, रोग से मुक्ति पाना, ये भी मुक्ति कहा जाता है कि नहीं है? इसीलिए कहता है आतंत की दुख निवृत्ति रे वही मुक्ति है? हम इस शरीर में आए हैं, इस शरीर के शरीर में जो हम आत्मा हम है, इसलिए संसार में क्या है आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक के त्रिता जन्म हम भोग रहे कि नहीं भोग रहे, इससे जो छुटकारा पाना जिसको मुक्ति कहा जाता है। ऐसे कोई व्यक्ति है जो मुक्ति नहीं चाहते, सब कहते हैं जो हम मुक्ति नहीं चाहिए, थोड़ा उसके गला दबा के कहते हैं छोड़ो 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 है, मुक्ति को नहीं चाहते है। तो गदाधर इसी प्रकार जो है मुक्ति के पूरी भाषा करेंगे, महाप्रभु कहने लगे नहीं ये मेरा संतुष्टि नहीं है। फिर गदाधर क्या कहते हैं आगे के मुक्ति के परिभाषा देते हैं, विष्णु अंग्री लाभम ही मुक्ति है, भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमल की प्राप्ति करना ही मुक्ति है, जब जी चित जगत में जब तक नहीं पहुंचे और साक्षात वैकुंठ धाम
यानी भगवत धाम में नहीं पहुंचे तब तक उसकी मुक्ति नहीं है। विष्णु अमरी लाभमी मुक्ति है, विष्णु अमरी भगवान की चरण कमल, क्योंकि भगवान की चरण कमल यानी वैकुंठ आदि धाम में माया के प्रभाव नहीं है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर भगवत धाम क्या है, मायातीत कहा जाता है, वहां पर माया की कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। इसलिए विष्णुअमृत जब तक हम भगवान के चरण कमल नहीं प्राप्ति करें तो बार बार इस संसार में आना पड़ता है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामं परम मम। गीता में भगवान कहते हैं जी जब मेरे धाम यानी चित्त धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं तब इस संसार में आना नहीं पड़ता है, और मेरे चित्त धाम में माया की भी प्रभाव नहीं। न तत्र काल विक्रम, जहाँ पर ये माया के काल की जहाँ पर प्रभाव नहीं, तो चित्त धाम आनंदमय धाम है। इसलिए शास्त्र में कहता है विष्णु अमरी लाभम ही मुक्ति। महापुरुष कथन बोले नहीं, ये भी हमारा संतुष्टि नहीं। जनार्दन बोले और क्या बताए, भगवान की चरण कमल प्राप्ति के लिए सभी तो तरसते रहते हैं, तो महाप्रभु क्या कहा, बोले मैं बताता हूँ। बोले बताओ, महाप्रभु ने क्या कहा, मुक्ति झरनाधार रूपम स्वस्वरूप ने व्यवस्थित ही मुक्ति। समस्त प्रकार के विषय को छोड़ करके ज्ञान योग आदि समस्त प्रकार के विषय को छोड़ करके एकमात्र श्रीहरि के भजन कर अपने स्वरूप की जो उपलब्धि कर लेते हैं, और उस अपने स्वरूप के द्वारा साक्षात में अपने रस माधुर्य के द्वारा अपने इष्ट देव के जो है सेवा ही कहा जाता है मुक्ति। तात्पर्य क्या है, जब जीव अपने स्वरूप को भूल उपलब्धि नहीं करते, अनुभव नहीं करते तब तक अपने स्वरूप के द्वारा यानी अपने रस विचार के द्वारा अपने इष्ट देव की सेवा नहीं करते। इसलिए मुक्ति जन था रूपन स्वस्वरूप में व्यवस्थित मुक्ति, स्वरूप ज्ञान के अनुभव करना, स्वरूप क्या आत्मा के स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुभव जब तक नहीं हो रहा है और अपने सिद्ध स्वरूप के द्वारा साक्षात रूप में भगवान की सेवा नहीं है तब तक वास्तव उसकी मुक्ति नहीं मानी जाएगी। ये महापुरुष यही विचार दिखा दिया है। जैसे हम और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द कभु नय सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो उदय, तुम्हारे हृदय में तो पड़ा हुआ है प्रेम, बाहर से नहीं आएगा कुछ है, तुम्हारे हृदय में पड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में अनेक हजार रत्न राशि पड़ा हुआ है, केवल उसमें क्या करो गोता लगाओ, लगा करके समुद्र से महामूल्यवान रत्न को तुम प्राप्त करो। उसी प्रकार जीव के हृदय में है, जीव गठन के समय पोटेंशियल के रूप में तुम्हारे पास है, बाहर से कहीं नहीं आएगा, जीव गठन के समय है। यही विचार दिखा दिया है, जीव सर्वोदय कृष्ण के दास तो कहा दिया, किंतु दास कहने पर भी आपके स्वरूप रस माधु चलते हैं। ये श्रवण आदि करते करते है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करते करते ये भाव तुम्हारी उपलब्धि होगा, बाहर से नहीं, जिसको जो है वही तो हो गए, उद्धव वृंदावन में आ गए है, किंतु इतने तो सीट फूटा है, कितने बार उन्होंने तब शुद्धि आदि करने लगे, कितने श्लोकों की छह श्लोकों के द्वारा राधे के चरण प्राप्ति करने के लिए कितने स्तर से दी, किंतु देखो फिर मथुरा आ गए, वृंदावन में रह नहीं पाए, फिर कृष्ण अंतर्धन के बाद उद्धव ब्रज में भी आए, और ब्रज में आकर नजनी कितने कठोर तपस्या आदि किया। गुरुदेव कहते ना ये उद्धव कुंड क्या है, उद्धव कुंड के एक एक घास मानो उद्धव के एक एक जन्म की तपस्या के स्थान, तथापि उनकी प्राप्ति नहीं है, संभव नहीं है। जिसके जो स्वरूप है
उसके प्राप्ति है हित कथि यार, ये विचार हमने दिखा है। ये कहता नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सार्थक बुनाए श्रवणादि शुद्ध चित्त पर होगा प्रकाशित खंड भजन करते करते हो समय होगा है। पिछले जिस कथा प्रसंग हम वर्णन कर रहे थे नराधर की सभा है, कैसे मैं बता रहा था है, धीर स्थिर है, अचंचल, चंचल नहीं है, धीर है, गंभीर है, वैराग्य प्रधान, किंतु महाप्रभु बिल्कुल के अभी है। और गदाधर के साथ यही तत्व आलोचना करने लगे है मुक्ति के बारे में, मुक्ति के सर्वोत्तम सीमा सीमा महाप्रभु है इस लाख द्वारा दर्शन है या अपने पास। एक दिन गदाधर के गदाधर कोई भक्त कहने लगे देखो हम संत दर्शन के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गदाधर सुन करके महाप्रभु बोले ये वे लोग जा रहे हैं संत दर्शन के लिए, मैं चलूं, क्योंकि महाप्रभु के आदेश बिना गदाधर कहीं नहीं जाते थे। सर्व अंतर जाने सजनंदन गौर हरी कहले अच्छा ठीक है जाओ है। और वो भक्त लोग लेकर के पुंडरीक विद्यानिधि के घर, और पुंडरीक विद्यानिधि कैसे थे बिल्कुल विषयी जैसे है, अच्छा क्लॉथ उन्हें कपड़ा पहने हुए हैं सिल्कन क्लॉथ गर्जियस ड्रेस है, और अनेक प्रकार अलंकार की तरह सुसज्जित है ऑर्नामेंट, और बाल कैसे इतने सुंदर घुंघराले वाले बाल है, है? क्या सुगंधी तेल के द्वारा मनो झलमल झलमल कर रहे थे है? इतने सुंदर पान भी चुबा रहे हैं, और कैसे सुंदर गदाधर आकर के देखा यही साधु है। लोग साधु कहते जो वैरागी होते हैं, ये तो कैसे बिल्कुल जैसे भोगी जैसे लग रहे हैं। गदाधर मौन धारण के कुछ नहीं बोले, लौट करके आए चैतन्य महाप्रभु कहने लगे गदाधर साधु दर्शन किए कि नहीं, गदाधर कुछ नहीं बोले हैं, अर्थात महापुरुष समझ गए ये इनके मन में कुछ है हैं। फिर दूसरे दिन बोले महापुरुष बोले जाओ हैं उनके पास जाओ साधु दर्शन करके हैं, मुकुंद के साथ मुकुंद दत्त के साथ हैं। और महाप्रभु मुकुंद दत्त के बोले देखो तुम पीछे से जो है कृष्ण के दो श्लोक तुम याद कर कीर्तन कर देखो। उसी समय गदाधर पंडित जब क्या बोले मुकुंद दत्त है अत्यंत सुंदर सुरेली सर से मुकुंद दत्त कीर्तन कर लेते ना कीर्तन यहाँ इतने सुंदर सर से जब बलहा पीड़न नरवर बहु कर्ण कर्णिकारं विप्रद बासुकुन कविशं वैचिंतमानं रंधन वेन रधर सुधै पुराने गोविंदई बिन्दारंग सर्वधर्म प्राविष्ट विधि कीर्ति है। ये दोनों से पीछे से जब ये दोनों श्लोक जब करने लगे और पुंडरीक विद्यानिधि है बस रोना सर कहां उनके सुंदर जो ड्रेस है सब अस्त व्यस्त हो गया, और देखो भूमि पर लोट पर खाने है, और उनके सारे शरीर के सब अस्थातिक विकार में। तब गदाधर विचार करने लग गया काल में साधु एक के क्या देखा साधारण एक विषय देखा था, आज देखा कैसे है कैसे प्रेमी भक्त है। फिर गदाधर लौट करके महाप्रभु ने पूछा साधु दर्शन हुआ कि नहीं। गदाधर महाप्रभु ने प्रभु मैं अपराध कर रहा हूं, मैं पुंडरीक विद्यानिधि के चरण में मैंने अपराध किया कतकल काल में उनके साधन विशेष है, किंतु आज मैं देखा उनके भाव माधुरी से मैंने देखा ये कैसे भाव है मैं अपराधी क्या करूं। महाप्रभु बोले जाओ तुम्हारे अपराध नष्ट जी किससे गदाधर पुनर्विद्यानी से उनसे दीक्षा अधिग्रहण करें
है, फिर गराधर पंडित पुंडरी विद्यानिधि से दीक्षा ग्रहण। चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, पुंडरी विद्यानिधि बहुत प्रसन्न भी है। वास्तव में ये पुंडरी विद्यानिधि कौन थे? वृषभानु महाराज है राधा जी की पिताजी, और वही राधा जी अपने पिताजी के समझ नहीं पा रही। देखो भगवान की कैसे लीला, जो मैं की लीला इसे कहा जाता है, इसी कहते लीला कहा जाता है। भगवान की ऐसी लीला, जो मैं की तरह ऐसी लीला, अपने पिताजी को अपने वो समझ नहीं पा, दूसरे की क्या है, यही है लीला। लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी लीला करने के नाजी कैसे कैसे करा। महाप्रभु कभी कभी भाव में जब अभिष्ट हो जाते थे पुंडरीक विद्यानिधि के, क्या कहते थे है, पिताजी पिताजी करके है चिल्लाते रोते थे ना है, कैसे करें ऐसे से लीलाएं है। और गराधर पंडित ये भागवत के जो सुंदर वक्ता भी थे, भागवत पाठ करते थे है? और महाप्रभु क्या करते थे, उनके पास बैठ जाते थे कथा सुनते थे है? और महाप्रभु कभी कभी कहते गदाधर तुम मुझे प्रहलाद और ध्रुव के कथा मुझे श्रवण कराओ, क्योंकि ध्रुव प्रहलाद किस प्रकार है भगवान के चरण में समर्पित आत्मा है, ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु जगत पे जो दिया है। एक साधारण साधक यदि भजन करना है, पहले हमको किसको लेना चाहिए है, ध्रुव और प्रहलाद महाराज के चरित्र को बार बार अनुशीलन करना पड़ेगा है। आज किस प्रकार सर है सर्व समर्पित आत्मा है, ये भी दिखाया। इसलिए महाप्रभु कभी कभी उनके कहते थे कि तुम मुझे ध्रुव और प्रहलाद की ध्रुव और प्रहलाद की कथा मुझे स्मरण कराओ है। अथवा कभी कभी गदाधर है गोपी गीत आदि ये समस्त कीर्तन आदि करते थे, भागवत में पढ़ते थे और महाप्रभु भाव में डूब जाते। ऐसे नहीं है हर समय केवल गदा क्या बोले ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनते हैं, कभी भी गदाधर पंडित जब ये भागवत पाठ करते थे साक्षात राधारानी गदाधर, और जो वो गोपी की कथा जब वर्णन करते थे वो कैसे है कौन वर्णन करे है। गदाधर के गदाधर पंडित के महाप्रभु ऐसे प्रबल निष्ठा है। देखो चैतन्य महाप्रभु जब सन्नास ले लिया और सन्नास लेने के परम चैतन्य महाप्रभु अपने माता जी के क्या वचन दिया, सदा सर्वदा कहाँ रहेंगे जगन्नाथपुरी में। गदाधर विचार करने लगे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहेंगे मैं भी जगन्नाथपुरी में, इसलिए गदाधर ने किया कि क्षेत्र सन्नास ले लिया। क्षेत्र सन्नास क्या, उसी क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में रहेंगे, जगन्नाथपुरी के बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कोई वृंदावन धाम की सन्नास लेते हैं क्षेत्र सन्नास क्या, वृंदावन धाम की बाहर नहीं जाएंगे। कोई गोवर्धन के सन्नास ले लेते हैं बोले गोवर्धन क्षेत्र के लिए कहीं नहीं जाएंगे, पता नहीं मथुरा के कोई सन्नास लेते कि नहीं लेता है मथुरा से ने जो लॉकडाउन में रहेंगे हैं कुछ जाके जो परिकर होगा उसे लेंगे हैं। लॉकडाउन तो क्षेत्र सन्नास, लॉकडाउन क्षेत्र सन्नास हो गया। आज मैं कह रहा ना ये माधव महाराज जी सब कहेंगे ये लॉकडाउन कहाँ से आया, ये चाइना से, ये लॉकडाउन कहाँ से आया है, ये हमारे गदाधर पंडित से क्षेत्र सन्नास है, कहीं नहीं जा सकते आप है कि नहीं है, नहीं जाना नहीं है। अच्छा गदाधर ने कहा कि इसलिए क्षेत्र सन्नास जगन्नाथपुरी से छोड़ कर ली जाए। देखो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे मैं बहुत दिन हो गया अपने गंगा को दर्शन नहीं किया है और मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। महाप्रभु के अत्यंत प्रिय स्थान कौन है, नवदीप धाम और गंगा। कहते महाप्रभु कहने लगे ये मैं एक बार गंगा दर्शन करके फिर वृंदावन में जाऊँ, तो सब भक्त लोग कहने लगे मैं जाऊँ महाप्रभु के साथ, अब जाना चाहते। गदाधर तो बिल्कुल अड़के, गदाधर बोले आपके साथ आप जहाँ पर भी जाओ। महाप्रभु ने कहा तुमने क्षेत्र संन्यास लिया
तुम्हें पाप लगेगा। बराबर क्या कहने लगे, बोले सब पाप छखर वो मैं सनातन धर्म ही तक कोई भी बात नहीं, क्योंकि आपके बिना मैं नहीं रह सकता। देखो चैतन्य महाप्रभु जब चलने लगे हैं वृंदावन के ऊपर, गदाधर भी महाप्रभु के पीछे पीछे चले, कुछ दूर चले बाद चैतन्य महाप्रभु कहने लगे गदाधर देखो ये मुझे भी पाप लगेगा, तुम क्षेत्र सन्यास लिया है और क्षेत्र के छोड़ करके तुम जा रहे है, ये अपराध हुआ पाप लगेगा। गदाधर सुनने के बाद फिर गदाधर कुछ मान करके बोले ठीक है आपके साथ में नहीं चलू, दूसरी रास्ते पर चलने शुरू कर। फिर वहां पर कुछ देर चलने के बाद गदाधर के बुलाया, गदाधर के बुला करे गदाधर सुनो है मैं शपथ करता हूं तुम आगे मत जाओ, तुमने क्षेत्र सन्यास लिया सन्यास धर्म को त्याग देना ये उचित नहीं है। सन्यास धर्म के त्याग देने से क्या होता है, लोक रीति का कहा जाता है वो बहतासी माना जाता है, अपराधी माना जाता है। किसी भी अवस्था में जो है सन्यास को त्याग देना नहीं चाहिए, ये महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु गदाधर के द्वारा ये शिक्षा देने लगे, गदाधर मैं शपथ कर तुम्हारे सिर पर हाथ रखू, मैं शपथ गदाधर तुम मत जाओ मेरे साथ मत चलो, तुमने क्षेत्र सन्यास लिया और सनातन के तर्क ये उचित नहीं। महाप्रभु जब कहने लगे गदाधर बस महाप्रभु के विरह में इन्हें पर मूर्छित हो गई है, किंतु महाप्रभु ने क्या की पीछे एक बार घूम करके नहीं देखा, इसलिए निर्वच्च ना हुई ले धर्म सरना धर्म रक्षण न जाए। महाप्रभु तथापि जो है पीछे घूम करके नहीं देखा, गदाधर में मूर्छित रहे और महाप्रभु आगे चले नौका पार करके बंगाल की तरफ चले गए। तब सब भक्त लोग गदाधर पंडित के लिए लौट करके लाए, कहाँ छोटा डुबीना जहाँ पर गदाधर रहते हैं, किंतु देखो वहीं पर एक भक्त क्या नाम उसका जो ध्यान में बैठ गए थे, अरे बोलिए सिंहानंद ब्रह्मचारी इसके है और एक नाम है वापिस के निशान है। अच्छा चलो वो कहने लगे ये देखो महाप्रभु कैसे कैसे जा रहे हैं ध्यान में सब बैठ गए हैं, और कैसे महाप्रभु बंगाल के होते हुए कैसे आगे बढ़ रहे हैं देखा क्या, उनके ध्यान में सब वर्णन करते जा रहे हैं। प्रद्युम्न ब्रह्मचर्य महाप्रभु कितने वो अंतरंग महाप्रभु ध्यान में बैठ गए है, चारों तरफ नारियल के पेड़ है, हजारों लोग जो है महाप्रभु जो स्वागत कर रहे हैं, फूल की जो है शेष लगा दी ये करते करते जा रहे, देखो ऐसे वर्णन करते जा रहे है। और कुछ देर चलने के बाद उनके ध्यान भंग हो गए, ध्यान आगे नहीं जाना, तब वो ब्रह्मचारी गदाधर भी कर ले गदाधर सुनो तुम शोक प्रकाश मत करो विरह मत, देखो महाप्रभु आज वृंदावन नहीं जाएंगे बंगाल से घूम कर आएंगे, क्योंकि हमारे धन आगे नहीं जा रहे। वो ऐसे उच्चकड़ी जो था महाप्रभु जहाँ जहाँ पर जाते थे ना वो ध्यान पे बैठ करके सब देखते हैं, फिर हमारा ध्यान आगे नहीं बढ़ रहे। मैं तुमको बता दूँ ये महाप्रभु इस समय वृंदावन नहीं जाएंगे बंगाल से घूम करके आएंगे, इसी प्रकार गदाधर की सांत्वना देने लगे हैं, ये समस्त बहुत सुंदर वर्णन है। और ठीक उस समय महाप्रभु भी बंगाल में अरे गंगा दर्शन के पश्चात आगे चले रामकली गांव में आए, और रामकली गांव में जहाँ पर रूप सनातन के साथ मिले रूप सनातन किसी सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के बोले प्रभु आपके पीछे हजारों लोग हैं लाखों करोड़ लोग, जब महाप्रभु वृंदावन को चलने लगे यानी महाप्रभु के पीछे कितने बोले हजारों देव देवियां भी मनुष्य के रूप धारण करके महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। और दूसरी कथा मनुष्य का कथा है चैतन्य भागवत में वर्णन हो रहा है, जब महाप्रभु जाते थे जहां जहां पर जाते थे उनके पीछे हजारों लोग जो है भीड़ जम लगा है, यहाँ तक भी देख करके राजा भी हुसैन शाह राजा भी आश्चर्य हो गया बोले मैं राजा हूँ मेरे पीछे इतने लोग नहीं है, ये कौन है रूप सनातन के पूछने लगे दबी खास और सक्र मलिक बोले साक्षात भगवान, और वो भी कहने लगे हाँ ये जिंदा पीर होगा। नहीं तो देखो
इसके पीछे इतने हजारों लोग कैसे जा रहे हैं दौड़ रहे हैं, और इधर नहीं अपोस्टल पक्षी सभी महाप्रभु के पीछे वैसे गए दौड़ते हुए है। यही भगवान के लक्षण है, भगवत लक्षण है। जब रूप सनातन महाप्रभु के साथ मिले वेश बदल करके रात्रि में है, नमो 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 महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायक कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरोत्तिशीन। ये श्लोक किसने कहा? ये रूप सनातन जो है ये पहली बार महाप्रभु की वंदना की श्लोकों के द्वारा है। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, महाप्रभु सनातन के नहीं कहा ऐसे मेरा स्थिति मत करो है। ये पहली जो हम जो कीर्तन करते हैं ना महाप्रभु वंदना नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम, ये श्लोक किसके द्वारा रचित है? रूप सनातन के द्वारा है। फिर महाप्रभु के साथ जब मिले और फिर सनातन दर्शन पाठ महाप्रभु के कहने लगे, प्रभु ये वृंदावन जाई बार नहीं यह परिपाटी, ये वृंदावन जाने के लिए परिपाटी नहीं, आपके पीछे हजारों लोग हैं है? आप चल रहे इसलिए आपके भाग भाव की क्या व्याघात हुआ, वृंदावन जाना है तो कैसे अकेला जा पाए, दो एक अपने अंतरंग के लेकर के चले, इसलिए भाव के बाधा नहीं। सनातन विचक्षण बुद्धिमान महाप्रभु कहने लगे, सनातन बाधे सत्य पठी हुए राम के लिए गांव से महाप्रभु ने किया कि लौट करके आए, लौट करके महाप्रभु पहले कहाँ मिले है? छोटा गोपीनाथ में है गदाधर जहाँ पर रहते, और महाप्रभु स्वयं देव ने विनय करके कहने लगे, गदाधर है तुमको मैंने कष्ट दिया इसलिए ईश्वर हमें अनुमति नहीं दी वृंदावन जाने के लिए है। महाप्रभु दीनहीन करके कहने लगे, ये देखो तुमको मैंने कष्ट दिया इसलिए ईश्वर भगवान मुझे अनुमति नहीं दी वृंदावन जाने की। तब उसमें गदाधर थोड़ा लज्जित हुई है, और महाप्रभु के लिए उन्होंने बहुत सेवा भी किया है, बहुत ही समस्त जो है वर्णन विभिन्न ग्रंथ में वर्णन है, है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहने लगे? केवल गंभीरा में गोपीनाथ है, इसमें गदाधर रहने को वहाँ पर रहने लगे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु गदाधर के साथ जो है समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहे थे, अकस्मात चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, गदाधर तुमको मैं एक दिव्य अमूल्य वस्तु देना चाहता हूँ लोगे? तो गदाधर करके प्रभु आप मुझे दो दोगे अति अवश्य ग्रहण करेंगे। देखो महाप्रभु ऐसे करते करते अपने हाथों के द्वारा बालू कैसे खोदने लगे, और उनके ऐसे सुंदर गोपीनाथ विग्रह उन्होंने दिया। जब महाप्रभु के गोपीनाथ विग्रह दे दिए, जो आप टोटा गोपीनाथ जो देखते हैं जो विग्रह, उस समय गोपीनाथ कैसे थे? खड़े हुए हैं, आप समझ नहीं, गुरुदेव कहते थे ये गदाधर जब महाप्रभु के विरह में जब तड़पते विरह में ऐसे हो गए थे उठ नहीं पाते थे, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए उन्हें माला चढ़ा नहीं पाते थे, इसलिए स्वयं ठाकुर जी क्या हो गए बैठ गए। इसलिए अभी जो ठाकुर जी देखते हो आप जब टोटा गोपीनाथ में ठाकुर जी बैठे हुए सुंदर कमल के ऊपर बैठे हुए है, जैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियां कृष्ण के विरह में जी गोपी की कीर्तन की, इसके बाद कृष्ण उस गोपी सभा में प्रकट हुए और गोपियां अपने अपने सुंदरी जानी वस्त्र को दिया और कृष्ण बैठे तासंग माना मुखाम भजन, इसलोक सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें जो कृष्ण जैसे किस प्रकार गोपियों के समाज में बैठे ठीक उसी प्रकार जो है आज देखोगे वो विग्रह ऐसे बैठे। किंतु महाप्रभु जब विग्रह के प्रकाश किया कहाँ से? नीचे से मिट्टी के लिए, किंतु विग्रह खड़े हुए और गदाधर उसके सेवा आदि करते थे, बहुत इस समय वर्णन। चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यय क्या करते थे? गंभीरा से जो है छोटा गोपीनाथ में आते थे और आकर के गदाधर से मिलते थे और उनसे हरि कथा आदि भागवत कथा आदि श्रवण आदि करते थे। तो ये समस्त बहुत विस्तृत वर्णन है, महाराज जी बताएंगे तो समय हो गया। गदाधर की कथा इतने बहुत सुंदर है,
गुरुदेव ये प्रश्न उठाते थे जब हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और क्या बोले जनार्दन महाराज जी थी, जब ये जगन्नाथपुरी जाती थी ना ये टोटल गोपीनाथ है, तो महाप्रभु ये गुरुदेव एक प्रश्न गुरुदेव नारायण गोस्वामी एक प्रश्न उठाते थे, अच्छा बताओ चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते थे? गंभीराम। और गदाधर कहाँ रहते थे? टोटा गंभीर। क्यों? जब नवद्वीप लीला में महाप्रभु और गदाधर एक ही बिस्तर में सोते थे, एक ही साथ में रहते थे, यहाँ तक भी उन्होंने सन्यास लिया, क्षेत्र सन्यास लिया महाप्रभु के साथ रहने के लिए, किंतु वो वहीं पर क्यों रहने लगे? आप ये क्यों इधर रहने लगे? अर्थात चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में और गदाधर क्यों यहाँ पर रहने लगे? ये प्रश्न उठा देते हैं। ये बहुत सुंदर कथा है, महाराज के बाद उनकी बताएंगे, बहुत सुंदर ये प्रश्न गुरुदेव प्रश्न उठाते थे और स्वयं गुरुदेव इसको भी सुंदर उत्तर भी देते थे। बोलो श्री गुरुदेव की जय, जय जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव। ओके व्यूअर्स, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।